केंद्र की सरकार ने 124वां जो संविधान संशोधन है उसको पारित किया है, जिसके अंतर्गत इस देश के जो गरीब स्वर्ण जाति से संबंधित रखने वाले लोग हैं उनको 10% का आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों में देने का जो है वो एक संशोधन लाया है। तो इससे एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण एक वातावरण सारे देश में बना है कि कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियां जो हैं वो एक भ्रम जो है सारे जो है वो समाज में फैलाने का प्रयास कर रही है, खास करके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं उनके मन में एक भ्रांति पैदा कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण दिया गया 10% का ये उनके कोटे से, उनका जो कोटा है उससे काटा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित किया गया है और ये बिल्कुल सही है कि ये जो आरक्षण है जो 49.5% है वो बिल्कुल अलग से रहेगा और 10% जो है इसको ऐड किया गया है। ये जो हमारा पहले आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, छेड़छाड़ नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं वो इसको तुरंत जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है और कल ही हमारे प्रदेश की सरकार ने श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे विकास के काम कर रही है, समाज के गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। उसमें उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि हम इसको तुरंत जो है 10% आर्थिक तौर पर जो आरक्षण दिया गया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ के हमारे नौजवानों को, यहाँ के जो आर्थिक तौर से हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा।